हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मैं ना आज फिर से लेके आई हूँ एक हॉल वीडियो। सेकंड आपने मेरा हॉल वीडियोस बहुत पसंद किया था साड़ी वाला, तो मैं फिर से एक साड़ी का हॉल लेके आई हूँ जो कि है मीशो से। तो बस चालू करते हैं अनबॉक्सिंग भी मैं आपके साथ ही करूँगी। तो इसमें ना चार जो है वो साड़ी है और एक जो है वो ना इनर वेयर है, जो बोलते हैं अपन सेफ वेयर साड़ी के जो नीचे वेयर करते हैं वो। तो चालू करते हैं सबसे पहले क्या है। तो यार ना अनबॉक्सिंग भी मैं आपके साथ ही करने वाली हूँ। वैसे दो तीन दिन से एक एक ऑर्डर आ रहा था, मुझे टेंशन था कि कुछ डिफेक्ट प्रोडक्ट आया तो फिर मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगी, 7 डेज ही होता है मीशो में। बट फिर आ गया था और अभी एक दो दिन बचा है तो फिर मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी थी। सो फर्स्ट आई थिंक तो साड़ी के नीचे इनर पहनते हैं अपन बेटी कोट की जगह से, फिर तो यही है ये जो कि मैंने किया था ब्लैक कलर का। और बाकी चीज मैन जो है वो है ये, तो ये है और कपड़ा इसका ना स्ट्रेचेबल है, ठीक है, पहनने के बाद ही पता चलेगा कि ना मतलब कितना कंफर्टेबल है या कितना कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने ये ना एल साइज मंगाई थी, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग चार्ट देख के ऑर्डर कर सकते हो। बाकी यार ना ठीक है, इसकी प्राइस भी मैं अभी बताऊंगी और अभी मैं साड़ी के नीचे इसको ना वेयर करूंगी तभी आप साड़ी का जो सेप आता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हो, क्योंकि पेटीकोट ना थोड़ा ऐसे फैला फैला रहता है, जो एक सेप चाहिए ना साड़ी का कर्व वाला वो नहीं आता अच्छे से। तो इसलिए मेरा अभी तक ये पहला प्रोडक्ट है ऐसा, मैं अभी तक पेटीकोट ही वेयर कर रही थी, बट मैं इसको पहनूंगी उसके बाद आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलो मैं इसको साड़ी के नीचे वेयर करती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट जो है वो है साड़ी, तो इसकी भी हम करते हैं अभी अनबॉक्सिंग। मीशो की ना यार मतलब साड़ियाँ बहुत रीजनेबल रेट में आती है और जो रेगुलर वे में जॉर्जेट की जो साड़ियाँ आ रही है ना बहुत प्यारी। मैंने फर्स्ट जब वीडियो किया था ना सच में सबको बहुत पसंद आई और मेरी आदि को सेल भी हो गई। मैंने रीसेल का भी काम चालू किया है क्योंकि इतने प्रोडक्ट मंगाऊंगी तो मैं क्या ही करूँगी। तो कलर यार देखो ना कितना प्यारा लग रहा है साड़ी का, देख रहे हो लग रहा है यार, ये आई थिंक सिल्क की साड़ी है, जॉर्जेट नहीं है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा दे रखा है ना, देखो आप ये ऑल ओवर साड़ी है, ब्लेंड प्योर सिल्क नहीं है ये, वो क्या कहते हैं ब्लेंड सिल्क करके मिक्स का है ये, बट वेयर करने के बाद ही ओवर लुक इसका पता चलेगा कि कैसा आएगा। सो प्लेन है और ये प्रिंट डाल रखा है इन्होंने, बांधनी जो प्रिंट आता है छोटे और बड़े, तो ये चीज़ इन्होंने ये डाल रखी है। तो ये आई थिंक ना मैन पल्लू है इनका और कलर इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने इसको ये ऑर्डर करी है। और येलो कलर में ना इन्होंने ये ब्लाउज दे रखा है, तो ब्लाउज इसका बन जाएगा, इतना काफी होता है ब्लाउज के लिए। अच्छी है यार, मैं इसको वेयर करती हूँ बाद में सारी चीजें आपको बताती हूँ कि मतलब पहनने के बाद इसका लुक कैसे आता है और आप पे कितनी अच्छी लगेगी, आप देख के खुद अंदाजा लगा देना। बाकी साइज़ तो ऐसे ठीक ही लग रही है, मेंशन भी अच्छी खासी दी रखी थी। तो मैं आपको ना पहनने के बाद इसकी सारी डिटेल्स और क्या प्राइस में आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो वेयर करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये जो है ये है इस साड़ी का ऑल ओवर लुक, पहनने में कंफर्टेबल है, दिखने में अच्छी लग रही है और इनका जो इन्होंने नाम दे रखा है वो है जयपुरी सिल्क। और फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो ना ब्लेंड जो आता है मिक्स वाला सिल्क वो है, प्योर सिल्क नहीं है। बाकी इन्होंने ना साइज़ वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है, फ्री साइज़ दे रखी है और इसकी प्राइस जो है वो है 316 रुपये। और चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट भी साड़ी ही है, कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या ऑर्डर किया और क्या भेजा इन्होंने। अच्छा तो ये ना यार एकदम फ्लोरी प्रिंट वाली है साड़ी और इसका कपड़ा ना
मतलब सॉफ्ट जो जॉर्जेट आता है ना वो एकदम लाइट वेट है ये साड़ी, एकदम लाइट वेट। सारी साड़ियाँ ना 500 अंडर है, तो आप देख लेना। ये है इनका ब्लाउज का कपड़ा साड़ी का, तो आप देख सकते हो ब्लाउज इसका भी बन जाएगा। बट ना यार ये यहाँ पे दाग सा लगा हुआ है, या तो फ्रंट में है या फिर ऐसे ही लगा हुआ है, अगर आप देख पाओ तो ब्लाउज में। बाकी साड़ी तो ठीक ही लग रही है। ये है इसकी लेंथ, लेंथ भी ठीक लग रही है साड़ी की। इसका कपड़ा बहुत ही लाइट वेट और एकदम सॉफ्ट वाला जो जॉर्जेट आता है ना वैसा कपड़ा है इसका, तो पहनने के बाद ना अच्छा, मतलब ऐसे एक जो कड़कड़ वाली फील आती है ना वो नहीं आएगा। जॉर्जेट भी बहुत टाइप के आते हैं बट ये मेरे को सॉफ्ट वाला लग रहा है। और यार ये इसकी रेंज भी आई थिंक बहुत ही कम होगी, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी तो आप अगर देखना चाहते हो तो देख। और इसमें कलर भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो अगर आप चेकआउट करो तो ज़रूर एक बार देख लेना। बाकी यार इसका ना कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ और बाकी और भी इसकी जो भी डिटेल है और प्राइस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज ये है इस साड़ी का ऑल ओवर लुक, और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 271 मतलब 271 रुपये है, और फ्री डिलीवरी चार्जेस है। बाकी अगर ना मैं जितनी भी साड़ियाँ मैंने ली है उसमें से मेरे को ये बेस्ट साड़ी लगी है, क्योंकि ना इसका कपड़ा ही एकदम इतना अच्छा है ना, पहनने के बाद फील होता है कि आपने कुछ पहन ही नहीं रखा है, और इसका लुक ना बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्योरा। तो आप अगर लेना चाहते हो तो ये साड़ी बेस्ट है, आप ले। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। तो जैसा उन्होंने ना कैटलॉग दिखाया था वैसी ही भेजिए। डियर सर एंड मैडम, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट मटेरियल, सो प्लीज़ 5-स्टार रेटिंग माई प्रोडक्ट एंड रिव्यूज़ हैवी नाइस डे। इतना सारा बड़ा उन्होंने ये टैग से भेजा है साथ में, ये चीज़ लग रही। आई थिंक ये ना 4-5 साड़ी जो मैंने मंगाई उससे थोड़ी सी हैवी प्राइस, हैवी क्या 500 समथिंग होगी ये, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं लगा दूँगी स्क्रीन पर जो भी प्राइस है इसकी। ना मुझे ये लेस और इसका कलर ना मतलब देखते ही मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने ये मैंने कहा पर्सनली मेरे लिए मैं मंगाऊंगी, शेयर नहीं करने वाली हूँ मैं इसको। सच में ना मतलब रेड कलर और एक प्लेन रेड होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है वर्क से। तो ये इसके ना ये वो इस कौन सा बोलते हैं इसको ना, कांच नहीं है ये, प्लास्टिक सा कांच जैसा है, और ये यहाँ पर पूरी बॉर्डर दी हुई है पूरी साड़ी पर। तो ये पहनी हुई ना मेरा बहुत ही प्यारी लगेगी। तो अगर आपको ऐसी कुछ चाहिए तो आप देख सकते हो, ये यहाँ तक इन्होंने दे रखी है। फिर आई थिंक ब्लाउज है ये, हाँ ब्लाउज ही होगा, ब्लाउज का कपड़ा इसके साथ ही अटैच है, तो आपको कटवाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि सिंगल कलर है। तो बाकी जो कैटलॉग है वो मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये कैसी लगेगी। साइज़ मेरे को थोड़ी डाउट लग रही है इसमें, क्योंकि ब्लाउज आएगा तो ना कम पड़ेगी, बाकी वेयर करने के बाद ही पता चलेगी, तो मैं आपको प्राइस और डिटेल्स वेयर करने के बाद बताती हूँ। तो गाइज ये है इस साड़ी का ऑल ओवर लुक, पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही है, रेड कलर है तो आप कोई भी अच्छे से फेस्टिवल पे पहन सकते हो, और करवा चौथ हो या तीज हो तो अच्छी लगेगी ये। बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है कि इसमें से अपन ब्लाउज नहीं निकाल सकते, अगर ब्लाउज निकालेंगे तो साड़ी कम पड़ेगी, और ब्लाउज इन्होंने साथ में भेजा नहीं है। बाकी जो कैटलॉग में दिया हुआ था उसमें ना सिल्वर कलर का ब्लाउज इन्होंने उस मॉडल को पहना रखा था। एक जो कमी और लगी मुझे वो है ये जो लेस लगा रखी है इन्होंने, वो थोड़ी सी आगे से लगाई होती तो और बेटर लगती। बाकी इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 379 इसकी प्राइस है, टोटल आप पे डिपेंड है आपको। लग तो सेम ही रही है मुझे, खोलने के बाद ही पता चलेगी। पिस्ता कलर मंगाया है मैंने, और इसमें भी थोड़ी ना फ्लोर वाली डिटेलिंग और हल्की सी ना लेस तो क्या ही बोलेंगे, जो इंटरलॉक वाला धागा है वो इन्होंने साइड में इन्होंने दे रखा है। बाकी ना इसका भी मटेरियल सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ही लाइट वेट है ये, बहुत लाइट वेट है।
इसकी ना ये जो प्रिंट इन्होंने डाल रखा है वो मुझे बहुत अच्छे लगा, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा जो कि ना प्लेन पिस्ता कलर का है। ये है इसकी हल्की सी, अगर आप देख पा रहे हो तो लेस ही बोल सकते हो, क्योंकि ये ना इसके ऊपर ही मशीन से ना जो इंटरलॉक वगैरह करते हैं उसको भी ना इसे टेढ़ा करके डिज़ाइन बनाई है, तो अच्छी लग रही है पहनने के बाद, अच्छी लगेगी ये। तो मैं आपको इसको भी वेयर करके बताती हूँ और इसकी प्राइस वगैरह सारे डिटेल बताती हूँ। ये भी जॉर्जेट का कपड़ा है और सॉफ्ट वाला मटेरियल है, वो कड़कड़ वाला सूखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बस देखो एक तो सी साड़ी है, लेंथ इसकी भी पहनने के बाद ही पता चलेगी, बाकी जो डिटेल्स दी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ। तो गाइस ये इसका ऑल ओवर लुक है और पिस्ता ग्रीन कलर और इसके जो प्रिंट का कलर दे रखा है बहुत ही प्यारा लग रहा है और एकदम लाइट वेट जॉर्जेट साड़ी है ये, हल्की सी लेस आप कह सकते हो। और प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो 192 रुपीज़ इसकी प्राइस है, बट प्राइस से ज़्यादा इसके मेरे को डिलीवरी चार्ज लगा 76, तो देख लो मिला के कितने हो जाएंगे। बट ठीक है यार, ऐसी प्राइस में अगर आपको ऐसी साड़ी मिल रही, बाद में आप कुर्ती वगैरह स्टिच करा सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेगी। और इन चारों साड़ियों में से मेरे को दो जो ये साड़ियाँ आई है, एक मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी फ्लोर वाली वही, और सेकंड ये साड़ी, तो बहुत प्यारी लग रही है। आप इसको भी आप मंगा सकते हो बिना सोचे समझे, और ब्लाउज का कपड़ा भी साथ में अटैच है अगर आपको बनवाना हो तो।